हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबका अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज फाइनली मैंने ये मूवी देख लिया जिसके बारे में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर मिस्टर प्रमोद बैनर्जी ने बोला था कि भाई मुझे इस मूवी का रिव्यू करो। तो थोड़ा सा मैं देर हो चुका इसका रिव्यू करने में, लेकिन फाइनली आज मैंने किसी भी तरीके से टाइम निकाल के इस मूवी को देख लिया, क्योंकि ये मूवी की लेंथ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 घंटे 25 मिनट की है और ये एक क्राइम थ्रिलर है। अगर आप इसे चाहो तो इसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी बोल सकते हो। तो ये मूवी देख कर मुझे कैसे लगी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देख, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग जो भी वेब सीरीज या जो भी मूवी का बोलते हो मैं उसका रिव्यू करता हूँ। तो इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में हमें नजर आते हैं प्रीतम गांगुली, मधुरिमा, देवो प्रसाद हल्दार और इसे डायरेक्ट किया सुदीप्तो राय ने। कहानी है एक केबिन गार्ड की। केबिन गार्ड का रोल यहाँ पे प्ले किया है देवो प्रसाद हल्दार ने। उनका इस मूवी में नाम होता है चुनुदा। तो चुनुदा के ऊपर बेसिकली कहानी की वो किस तरीके से लड़कियों को मर्डर करते हैं, और लड़कियों को मर्डर करने के बाद वो ऐसा माहौल बनाते हैं कि लोगों को लगेगा कि वो लड़कियों का मर्डर नहीं बल्कि उन लड़कियों ने सुसाइड किया। तो इस तरीके के मर्डर करने की पीछे वजह क्या होती है चुन्नूदा की यानी कि देवू प्रसाद हल्दार की, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी जो 1 घंटे 25 मिनट की मूवी है मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो देखो मुझे अच्छा लगा वो है देवू प्रसाद का परफॉर्मेंस। मूवी में ऐसा कुछ भी खास मुझे नहीं लगा जिसकी वजह से मैं तारीफ करूं। देखो कॉन्सेप्ट एक सनकी किलर एक साइको किलर के ऊपर है, लेकिन जो उसका स्क्रीन प्ले है ना बहुत ही बेकार है। आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक एक लो बजट की मूवी ये साफ तो आप समझ में आएगा, और काफी रिपीटेड सीन है यानी कि एक सीन आपने ऑलरेडी देख चुके तो उसी सीन को थोड़ी देर के बाद फिर से रिपीट कर रहे हैं, यानी कि वो एक ही बार शूट करके दोबारा उस सीन को रिपीट कर रहे, उसका मजा नहीं आ रहा। प्लस जो एक ऐसे किलर के बारे में बता रहे कि जो दिमागी तौर पर पागल है, वो उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है, वो आप ये मूवी देखो तो आप समझ जाओगे। तो उस हादसे होने के बाद उसका जो मर्डर करने की जो वजह है वो मुझे पर्सनली जस्टिफिकेशन नहीं लगा। मतलब इस तरीके से जो सिचुएशन थी उसमें उसको ये सब करना कहीं से भी मुझे सही नहीं लग रहा था। प्लस उसके अलावा यहाँ पर जो स्क्रीन प्ले 1 घंटे 25 मिनट की होने के बावजूद भी आपको बहुत ही ज्यादा लेंथी लग रही थी। ये इसको अगर डायरेक्टर सिर्फ 1/2 घंटे की एक शॉर्ट फिल्म बनाते तो ये फिर भी देखने लायक होती। 1 घंटा 25 मिनट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वेस्ट किया, क्योंकि मुझे कहीं से भी वो थ्रिल वो डर जो फील होना चाहिए वो हो रहा नहीं था। कुछ कुछ तो एकदम सिंपल सीन से जहां पर वो बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के एकदम इंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे सीन को, मगर वो फील नहीं आ रही थी। और प्रीतम गांगुली की बात करो तो प्रीतम गांगुली का परफॉर्मेंस एज गणेश ऑटो ड्राइवर इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मतलब ठीक ठाक था। और जो गर्ल्स भी दो थे वो मतलब ठीक ही थे, मतलब कुछ खास परफॉर्मेंस मुझे किसी का भी नहीं लगा। सिर्फ देवो प्रसाद हल्दार जिसने चुनुदा का रोल प्ले किया उनका रोल मुझे अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी इतना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले मैंने काफी इस तरीके की सनकी किलर के ऊपर बनी गई फिल्में या वेब सीरीज देख चुका हूं, तो मुझे ये हजम नहीं हो रही थी चीजें और ना ही मुझे कुछ इतनी खास लगी। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप लोग को ये अच्छी लगेगी तो आप ये देख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी देख चुके हो तो मुझे बताओ कि आपको कैसे लगी। तो यार इस वीडियो में इतना ही। मैं लोग अगर चाहते हो आपको किसी वेब सीरीज या किसी मूवी का रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में।